के भीतर बैठे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है ना ऐसा कभी होगा। अगर कभी कहीं से अगर कोई औपचारिक माध्यम से अधिकृत सोर्सेज से अगर कोई ऐसी खबर आती है, डेफिनेटली उस वक्त हम लोग सोचेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है, मुख्यमंत्री जी से आज जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस संतोष भाव के साथ उनसे बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि ये बातें उनको भी कोई इफेक्ट कर रही हैं या वो भी इस बारे में सोचें। और ईमानदारी की बात है, हम लोग गठबंधन में हम लोग इसको लेकर चर्चा भी नहीं कर रहे। हमारे सामने अभी तुरंत लक्ष्य है उपचुनाव का और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ये सब की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात एकदम साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री जी से आप मिलकर यह आश्वस्त कर दिए कि 2020 के चुनाव को लेकर कोई भी कहीं कंफ्यूजन आपको नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलकर उनको आश्वस्त करने की जरूरत है। जो संबंध मुख्यमंत्री जी के और हमारे पारिवारिक जिस तरीके से संबंध रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये कहना कि हम लोग को शब्दों में ढालने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी और उनके संबंध बहुत गहरे हैं, वो पहले से ही इस बात को जानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन में भी इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है और चर्चा की गुंजाइश भी नहीं है। क्या छोटे भाई को कोई नसीहत देंगे तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से लोग अब कहने लगे? इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।